वेलकम्स टू दीप स्टडी नाम इनकी सांबार से फर्स्ट पर्प वेग वेकल अद्क तवरम पर्पम पासी पर्पम अर अर कपर रेमे ग्राम इवत ग्राम ए कुर ना फर्स्ट वेग वेकल कुछ वाटर सेतुक ना अरप नालु विसिल वच्चे नालु विसिल अड़प आफ पनेला अड़त नम सांबार पाती और मुरंका चिन चिन्नदा वेट्टी वच्चिरुक्केन अपरमा वेंगायम एडुत्तिरुक्केन मूणु पोल पच्चै मिळगा और कत्तिरिक्काय और कैरट नालु तक्काली एडुत्तिरुक्केन इप्पो नम्म कडायिल रेंडु स्पून एण्णै ऊत्तिक्कलाम अडुत्तु नम्म नरक्कि वच्चिरुक्क वेंगायत्तै इदोड आड पण्णिक्कोंग आड पण्णिट्टु कोंजम नल्ला वदक्कि एडुत्तुक्कलाम अब नम्बर नरक वो तोड़ सेतु वदको तक ना कुछ वदंग कटो पांग तक ना वदंगी स्टेज नम्बर मितकायोड़ सेतुकल सेतु एल्लात्तैयुम ओरु ओरु निमिषम वदक्किक्कोम इप्पो नम्म इदुल ओरु अरै कप तण्णि सेर्त्तुक्कलाम अरे स्पून मंजतूल अरे स्पून मिगूल मूणु स्पून सांबार पड़ी सांबार पड़ी ना वीटल अरे पड़ी दूस पड़े से ना मिक्स नल्ला पोड़ी नल्ला एल्ला सेरुं करेयर मानी मिक्स पन्नी उटुरुंग इल्लना सांबार पोड़ी अंगंगे कोंजम कट्टी कट्टिया निक्कुम इप्पो इद नम्म ओर मूडी पोट्टु मूडी वच्चु 10-15 निमिषम नल्ला कोदिक्कट्टुम पारुंग कोंजम सांबार नल्ला कोदिच्चिरुच्चु इंद स्टेजिल ना कोंजमा ओर नेल्लिक्काय सैज पुल्ली एडुत्तु करच्चि वच्चिरुक्केन अद इदोड सेर्त्तुक्कलाम और रे निषं सांबार कोदिकटो अम्बा अरेकल अद्क नान अर कपा तुवी एचर अदक्रम चायत अरे स्पून जीरक इत मूण अरेटेट अरेटी पारें पर्प ना वंदिर पर्प ना मसिच विटको इतमी पुलि ऊती और 3-4 मिनट्स को परप नाम सांबार सेतुकल परप सांबार सेता परप से ना किंडी विटर इलेना अगं नुकड़ परप
இப்போ நம்ம தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். 1 ஸ்பூன் உப்பு போட்டிருக்கேன் நான். அதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்ச தேங்காயையும் இதோட சேர்த்துக்கலாம். தேங்காய் சேர்த்து ஒரு 1லேருந்து 2 நிமிஷம் சாம்பார் கொதிக்கட்டும். கொஞ்சமாக பெருங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன். சாம்பார் ரெடி ஆகி அடுப்பை ஆஃப் பண்ணுற ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக நான் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். இது சேர்த்தோம்னா சாம்பார் நல்லா ஃப்ளேவராக கிடைக்கும். மல்லித்தூள் சேர்த்துட்டு ஒரு 1 நிமிஷம் தான் சாம்பார் கொதிக்கணும். அதுக்கப்புறமா அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ரொம்ப கொதிக்க விட்றாங்க, இல்லைன்னா அந்த ஃப்ளேவர் கொஞ்சம் இதாயிரும். அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக மல்லி செடி இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுறேன். இப்போ நம்ம தாளிச்சு எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு 1 ஸ்பூன் எண்ணெய், கொஞ்சமாக கடுகு, 1/2 ஸ்பூன் சீரகம், கொஞ்சம் வெந்தயம் சேர்த்துக்கிறேன். அப்புறம் கருவேப்பிலை, இதெல்லாம் போட்டு நல்லா தாளிச்சு எடுத்துட்டு தாளிச்சு சாம்பாரில் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம சுவையான சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சாம்பார் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறக்காமல் சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்கள்.